हम बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज 6.4 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग साइड। क्या ये पॉसिबल है कि नीचे की साइड पे एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो किया क्या जाएगा, पहले दो साइड लेते हैं 2+3, उनको जोड़ते हैं, उनको जोड़ने पर कितना आएगा 5, जो कि तीसरी साइड का है 5 के इक्वल, तीसरी साइड के इक्वल, तीसरी साइड क्या है 5 के इक्वल। जब तीसरी साइड प्लस 3 ये जोड़ने पर तीसरी साइड के इक्वल आ जाए, इसका मतलब हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, ये हो जाएगा ट्रायंगल एनोमली। जैसे इसके एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। दो साइड लेते हैं, पहले 3+6 कितना हो जाएगा 9 नंबर, तीसरी साइड क्या है 7, जो कि जोड़ने पर तीसरी वाली साइड से डेटा आएगा। अब इन दोनों को 6+7 कितना हो जाएगा 13, और तीसरी साइड क्या बचेगी 6 और 7 के लिए तीसरी साइड हमारे पास बचेगी 3। इस केस में भी क्या है, जोड़ने पर डेट आ रहा है। अब तीसरी देखते हैं, 7 और 3 होती है, 3+7 का रेंज कितना हो जाएगा, इस केस में हमारे पास बचेगी 6। तीसरे केस में भी हमारे साइड क्या रही है, इन तीनों केस में हम जोड़कर क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तीनों केस में जो दो साइड का सम है वो तीसरी साइड से क्या आ रहा है ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब कि हम इन तीनों साइड को देखकर ट्रायंगल को बना सकते हैं। इसमें इसलिए ट्रायंगल इज पॉसिबल। इसमें लिखने में ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इसमें ट्रायंगल क्या है पॉसिबल, इसी तरीके से शॉर्ट आउट भी कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रायंगल है, PQR, इसमें एक पॉइंट ले गई बीच में O। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इसी तरीके के क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग किए हैं। जब वो पॉइंट को लेंगे इसे मिलाएंगे तो 3 ट्रायंगल बनेंगे, राइट हैंड ट्रायंगल हमारा बनेगा ट्रायंगल OPQ, दूसरा ट्रायंगल हमारा बनेगा OPR और तीसरा ट्रायंगल बन जाएगा ORQ। इसी के बेस पर 3 क्वेश्चन है, उन तीनों क्वेश्चन को आपको करना है। जैसे पहला पूछ रहा है OP+OQ इज ग्रेटर देन PQ, तो OPQ ट्रायंगल है, ये बात है पहला वाला ट्रायंगल है OPQ ट्रायंगल है। इसमें दो साइड दिया है, OP दिया है और OQ दिया है, कह रहा है कि ये तीनों का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। बिल्कुल, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होगा ग्रेटर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। इसी तरीके से इसके बाकी क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यही हम लोग सीखे हैं, ट्रायंगल के दो साइड का सम अगर तीसरी साइड से ग्रेटर है तो ट्रायंगल क्या है पॉसिबल, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर है, ये सारे साइड क्या है
इक्वल है, यानी एरिया क्या है मीडियन, एरिया मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स। हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2AN। अब इसमें करना क्या है, इसे दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देना, पहला ट्रायंगल ए एन बी यानी ए बी एम, तो पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी एन, ए बी एन लेना है। इस ट्रायंगल ए बी एम दो साइड को जोड़ते हैं, कौन कौन सी साइड, ए बी को और बी एम को, ए बी प्लस बी एम को जोड़ते हैं, ये ग्रेटर और लेस से तीसरी साइड कौन सी बचेगी, ए एन बचेगी। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब लेते हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए सी एम, ट्रायंगल ए सी एम, इसमें दो साइड ए सी प्लस सी एम, ये बीटा और ग्रेटर होगा किसकी साइड, ए एन, इसे मान लेते हैं सेकंड। अब ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, इधर करेंगे ए बी प्लस बी एम, इसमें दोबारा दूसरा इक्वेशन ए सी प्लस सी एम, ये ग्रेटर की साइन लगेगी, इधर ए एम प्लस ए एम, प्लस ए एम, अंदर देखिए बी एम और सी एम दोनों जुड़ जाएंगे, बी एम और सी एम दोनों का क्या हो जाएंगे, बी सी हो जाएंगे, यानी ए बी सी एम और सी एम क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा प्लस ए सी, ये सी एम प्लस ए एम क्या हो जाएगा, टू ए एम हो जाएगा। इसी को प्रूफ करना था, देख सकते हैं सामने आपके पास ये आपका आंसर, जल्दी से नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में बता रहा है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें हमें क्या करना है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन